आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है एक फील्ड कंडीशंस का एक ऐसा केस है जिसमें जितने भी लोग प्रैक्टिस करने वाले थे अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते तो इस पशु की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इतना मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशंस कर दिया था जिसकी वजह से इस पशु का जान शायद बचना मुश्किल है। इस केस के ऊपर डिस्कशन करने से पहले आइए सबसे पहले जो हमारी पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनते हैं और फिर इस केस के बारे में हम इसी तरीके से हमेशा खड़ी रहती है। इस तरीके नहीं, अभी इसे हटाएंगे, अपने से नहीं हटेगी, हमें हटाना ही पड़ेगा। आगे की तरफ जोड़ देती है, फिर सिर उठाना पे चढ़ जाती है, जंगले पे, जंगले पूरा चढ़ जाती है। बैठती है कि नहीं बैठती है? अपने आप से नहीं बैठती है, जबरदस्ती बहुत बैठाने पर तब बैठती है। जबरदस्ती बहुत बैठाएंगे तब बैठती है। पैर उसको दोनों मोड़ेंगे, इसको खींचेंगे, धक्का देंगे, तीन लोग मिलके तब बैठे। अच्छा, कितने दिन से है समस्या ये? आज आठ, आज नौवां दिन है। हाँ, नौ दिन है सर। आज नौ दिन है। नौ दिन पहले इसको क्या समस्या शुरू हुआ था? पहले कुछ नहीं हुआ था सर। खा रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। लेके गए वहाँ पिछवाड़े नहवाने के लिए कि टुल्लू पंप से लाइन आया था नहवा दे, वहाँ नहाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। बस बगनिया हाउस में लट्टू बनल हुआ है तो मोहरिया कसे वाला, अब वो निकाल ले, जब निकाल ले तो वहीं वो कहीं ना बस वहीं घूम के रह गए। फिर उसके बाद पकड़े चले ना, पर तो दुविधा ने गिरबो कर लें, भाग लिया, जैसे निकल गए गांव में, वहां से लेने यहाँ बांध दिए। वही बगनिया में जब बांध दिए तो की गई संपात, जब हम पलटी मार के गिर गए, धजा ऊपर हो गए, मथवा नीचे हो गए। अब लही कस जब कसाव गई लेस, ओकरे बाद घर से जब तक हसिया लावे कम से कम पांच सात मिनट बीत गए, लावे तो जी घूम निकाल दे रहा घूमे, लेकिन कंडीशन बहुत खराब थी, लेट गए थे, उठे नहीं। अच्छा, जैसे जब सर की तरफ गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं था कि सर ऐसे हो करके वो शायद ऐसे मुड़ गया हो? अब वही जाना था, उसमें बांध दिए थे। उसके बाद इतना मतलब ये छटपटा रही थी, अफना रही थी, उसका सर इस तरफ हो गया था, रस्सी जबकि नहीं पहुंचता था, टेढ़ा हो गया था सर। फिर यहाँ से उठ नहीं पा रही थी, हमने उठा दिया, कोशिश करके उठाया, उठ गई। इससे उठने के बाद सीधे उस पर चढ़ गई दोनों पैर, वहां से गिरी, उसके बाद उठे, उसके बाद रस्सी हम तुरंत काट दिए, उसके बाद फिर नहीं गिरते। अच्छा, तब से कुछ खाई पी नहीं है? कुछ नहीं, वही सुबह शाम भेली का रस दिया जाता है, जितना पिला दिया जाता है वही पीती है बस, और कुछ नहीं खाई। और जब भी खड़ी होती है इसी टाइप की खड़ी होती है? आगे की तरफ जोड़ देती है ना, ऐसे चढ़ ही जाएगी। यहाँ किडनी गाड़ के एक बांधे थे, लेकिन पूरी उखाड़ दी, इतना मतलब आगे की तरफ जा रही थी। इस केस के माध्यम से हमारे जितने भी फील्ड वेटनेरियन हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इस केस में बेसिकली दो गलतियाँ हुई हैं। पहली गलती, जो प्रैक्टिस करने वाले थे उन्होंने पशुपालक से जो हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री को पूर्ण रूप से इग्नोर किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरी गलती उन्होंने क्या किया कि इस एनिमल को कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं किया, जिसकी वजह से वो ये पता लगाएं कि एक्चुअली में इस एनिमल को कौन सी समस्या है। उन्होंने ये देखा कि ये अपने सर को दीवार के सहारे रख कर के खड़ी हो रही है, और इसी एक लक्षण के बेसिस पे उनको लगा कि ये सर्रा है, और इस पे सर्रा का ट्रीटमेंट लगभग चार बार चल चुका है। जो भी लोग आते थे उस पे सर्रा का ही इंजेक्शंस लगाते थे, और सर्रा के इंजेक्शंस में ज़्यादातर बेरनिल वगैरह लोग यूज करते हैं। इस केस को जब मैं गया, उसको एनिमल को एग्जामिन किया, तो इस केस में हमको जो टेम्परेचर मिला 105 डिग्री फारेनहाइट मिला। इसके अलावा वो एनिमल रूमिनेशन बिल्कुल नहीं कर रहा था, कोई जुगाली नहीं कर रहा था, रूमन मोटिलिटी पूर्ण रूप से ब्लॉक था। और जब मैं उसके गले को एग्जामिन किया तो पूरे गले में सूजन आई हुई है, और स्पेशली जो ट्रैकिया वाला पोर्शंस है वहाँ पे सूजन बहुत ज़्यादा है, पूरी ट्रैकिया एकदम से लूज हो चुकी है, और जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है वो एकदम से वहाँ से अपनी जगह छोड़ दिया है।
और एक जगह पे मुझे ऐसा लगा कि जो ट्रैकियल रिंग है वो या तो फट गई है, ज़्यादा संभावना होता है कि जब रस्सी वगैरह फंसती है, जैसा कि आपने पशुपालक से जो हमारी वार्ता हुई है उसमें समझ में आया भी होगा कि एक्चुअली में इस केस में हुआ क्या था कि इस एनिमल्स को बाहर नहलाने के लिए ले गया था, फिर वो जब घारी में ला करके बांधा है तो इसकी रस्सी पहले से थोड़ा टाइट था, फिर ये एनिमल उछल कूद ज़्यादा करने लगा और उसी दौरान ये उल्टा होकर के गिर पड़ा। उल्टा होने का मतलब होता है सर नीचे की तरफ और पिछला पोर्शन उसके ऊपर की तरफ, और उस दौरान रस्सी और ज़्यादा टाइट हो गई और जिसमें ये एनिमल और ज़्यादा भयभीत हो गया और उस कंडीशंस में ये कई बार लगातार कंटिन्यूस गिरता रहा। उसके बाद जब पशुपालक आया और उसकी ये स्थिति देखा, उसके बाद वो घर पे जा कर के हसिया लेकर के आया, जब तक वो रस्सी को काटा तब तक काफ़ी देर हो चुका था। ये बात उसने जो पहली बार ट्रीटमेंट करने के लिए लोग आए थे उनको बताया था, लेकिन उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बस इसका गला देखा, इसका पोस्चर देखा, इसी को देख करके उसने इस एनिमल को सर्रा घोषित कर दिया। इस केस में जो मेरे एग्जामिनेशन में पकड़ में आया वो ये आया कि ट्रैकिया एक जगह से डैमेज था और ये जहाँ से डैमेज था, चूँकि ट्रैकिया में म्यूकस होता है और ट्रैकिया का कनेक्शन बाहर के इन्वायरमेंट से होता है और जब बाहर की जो भी हवा होती है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, और ये जब ट्रैकिया जहाँ से डैमेज है जब उस रास्ते से बाहर के टिश्यू में आता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है और यही इन्फेक्शन पूर्ण रूप से पूरी ट्रैकिया में थायराइड कॉर्टिलेज से लेकर के और लोअर ट्रैकिया तक था और जिसकी वजह से ये एनिमल को सांस लेने में भी समस्या, आप जैसा कि आप देख रहे हैं मुंह खोल के सांस लेती है। इसके अलावा इस केस में जो आप देख रहे हैं कि एनिमल अपने सर को ऊपर करके जबड़े को किसी दीवार के सहारे रख रहा है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सहारे रख रहा है, इसका मेन कारण क्या है, इसको अब ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई है और ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स इसीलिए आई है क्योंकि इसका जब ये गिरी है तो गर्दन टेढ़ा हो गया है और ऊपर से रस्सी टाइट हो गई है, तो ये मेन कारण की वजह से इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आई। और सर्वाइकल जैसे हम लोगों में भी हो जाता है तो एक परफेक्ट लोकेशन होता है जिसपे जब अपने गर्दन को किए रहते हैं तो हमको दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उससे थोड़ा सा हम हटते हैं हमारे जो गर्दन होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो सेम उसी तरीके से इस एनिमल में सर्वाइकल की प्रॉब्लम डेवलप हुई और उस सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स की वजह से ये अपने सर को ऊपर रख रही है, ना कि किसी दूसरी बीमारी की वजह से। ऐसे तो इस तरीके की बीमारियाँ आप देखेंगे, पॉलीइंसेफेलोमेलेसिया का भी कन्फ्यूज हो सकते हैं, आपको सर्रा से कन्फ्यूजन हो सकता है, या कीटोसिस अगर किसी एनिमल में जो नर्वस फॉर्म का आता है आप उससे भी कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो कई सारी ऐसे नर्वाइन डिजीज होती हैं जिससे आप कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अब पूरी उनकी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो पूरा इन्फेक्ट हो गया है और साथ में जो आसपास के जो टिश्यू हैं उसमें भी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये पिछले 8 दिनों से कुछ खाई नहीं है, सिर्फ इसको जो पिला देते हैं शरबत के रूप में या दवा के रूप में वही ले रही है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं ले रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी पशु को देखने के लिए जाएं तो पशुपालक से हिस्ट्री प्रॉपरली लें और जो भी आप देख रहे हैं जो भी सिम्टम्स देख रहे हैं हमेशा याद रखें सिर्फ एक बीमारी में ही वो सिम्टम्स नहीं आते हैं, बहुत सारी बीमारियों में आपको सिम्टम्स उसी तरीके से देखने को मिलेंगे, आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होगा और फिर जा करके अपना एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाएं। आशा करता हूँ हमारे इस वीडियो से हमारे जितने भी फील्ड वेटनेरियन हैं उनको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिला होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।